हर हर महादेव दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल भवतारिणी क्ले आर्ट। आज मैं आप सबको शिव जी का एक मूर्ति बनाकर दिखाऊंगा, कैसे मैं नंदी महाराज की मूर्ति बनाता हूँ और उनके ऊपर भगवान शिव जी का मूर्ति बनाता हूँ, सब कुछ दिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। आप देखते रहिए। अब मैं नंदी महाराज को बना रहा हूँ, देखिए मैं कैसे बनाता हूँ, स्टेप बाय स्टेप है, आप भी कर सकते हैं, बहुत ही ईजी है। वीडियो पसंद आ रहे हैं तो एक लाइक दे दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। नंदी महाराज की आंखें बन चुका है, अब मैं थोड़ा जल से ब्रश कर लेता हूँ, उसके बाद कान बनाऊंगा। नंदी महाराज की बॉडी बहुत दुबला पतला सा लग रहा है, तो मैं थोड़ा ज़्यादा मिट्टी ऐड कर लेता हूँ। नंदी महाराज का पूंछ बन चुका है, इसके बाद मैं नंदी महाराज का घंटी का माला बना लेता हूँ। हम सब ने हर जगह देखा है कि भगवान शिव बाघचल के ऊपर ही बैठते हैं, तो मैं नंदी महाराज के ऊपर एक बाघचल की आसन बना लेता हूँ। आप शिव जी की पैर बांध रहा है। शिव जी का बॉडी बन चुका है, अब मैं शिव जी का वस्त्र बनाऊंगा। शिव जी तो बागचाली पहनते हैं।
आप देखिए मैं कैसे शिव जी का पैर की उंगली बनाता हूँ, बहुत ही सुंदर बनने वाला है। तो देखिए स्टेप बाय स्टेप है, आप भी बना सकते हैं। दोनों पैर की उंगली बांध चुका है, अब मैं इसे भगवान शिव जी के पैर के साथ अटैच कर देता हूँ। इस मूर्ति में शिव जी का चार हाथ होने वाला है, तो देखिए मैं कैसे शिव जी का चार हाथ बनाने वाला हूँ, स्टेप बाय स्टेप है। देखिए शिव जी के हाथों की उंगली कैसे मैं बनाता हूँ। तो हाथों की उंगली तैयार है, ऐसे ही मैंने चारों हाथों की उंगली बना लिया है। इस हाथ में भगवान शिव जी का कमंडल रहेगा। इस हाथ में त्रिशूल रहेगा, तो अब मैं त्रिशूल बना रहा हूँ। देखिए और इस हाथ में डमरू रहेगा। अब मैं भगवान शिव जी का फेस बना रहा हूँ, देखिए मैं कैसे बनाता हूँ, स्टेप बाय स्टेप है।
अब मैं शिव जी का बाल बना रहा हूँ। अब मैं रुद्राक्ष की माला बना लेता हूँ। तो देखिए शिव जी का फाइनल लुक है, कैसे बना है प्लीज़ कमेंट में बताइए। शिव जी का मूर्ति पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा चैनल।